नगर निगम भिलाई के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र में 10 वार्डों में लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि पिछले लगभग एक साल से अनवरत चल रहे विकास कार्यों में भिलाई चिरोदा के वार्डों की दशा और दिशा संवर रही है। महापौर निर्मल कोसरे ने भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत तहसील कार्यालय से की। यहाँ उन्होंने लगभग 19 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार अलग अलग वार्डों में विकास के बीज रोपित किए। महापौर ने वार्ड एक इंदिरा नगर हथखोज में 8 लाख रुपए से आरसीसी रोड व नाली, वार्ड दो हथखोज बस्ती में 8 लाख रुपए से आरसीसी नाली, वार्ड तीन अकलोर डीह के शीतला पारा में 8 लाख रुपए से आरसीसी नाली निर्माण का भूमि पूजन किया। इसी कड़ी में सभी वार्डों के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया गया। महापौर निर्मल कोसरे ने नागरिकों की मांग का सम्मान करते हुए विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप यहाँ पर नए अनुभाग भिलाई तीन का गठन हुआ है, जिसमें अहिवारा तहसील और भिलाई तीन तहसील दोनों तहसील को मिलाकर के एक अनुभाग यहाँ पर कार्यालय की स्थापना हुई है। अभी तहसील कार्यालय के वही एक अच्छा पूर्व से जो भवन बना था उसी में हमने अनुभागीय अधिकारी कार्यालय संचालित कर रहे हैं। अभी चूंकि भिलाई तीन अनुभाग तहसील कार्यालय का फाइनल नोटिफिकेशन 25 दिसंबर के बाद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अनुभागीय अधिकारी कार्यालय से राजस्व अपील प्रकरणों की नियमित सुनवाई जनवरी से होना चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं दो दिन यहाँ सोमवार गुरुवार को आता हूँ और पब्लिक की जो भी छोटी मोटी जाति प्रमाण पत्र है या जाति सत्यापन वगैरह की है सब काम हो रहे हैं और थाने का भी यहाँ से निराकरण का कार्य चालू किया जाएगा। पूरे अहिवारा तहसील जो अभी सब डिवीजन धमधा में हो रहा है तो वो यहाँ अहिवारा तहसील भिलाई तीन के में शामिल हो गया है। और कुमार अपना भिलाई तीन में जैसे कुमारी नगर पालिका है, भिलाई तीन है और भिलाई चारोदा, ये तीनों नगर पालिका क्षेत्र से है ये नया अनुभाग भिलाई तीन निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जो भिलाई तीन की जो बृहद मांग रही है SDM कार्यालय होना चाहिए इसकी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया और भिलाई तीन चौरौदा जामुल और कुम्हारी को मिलाकर एक अनुभाग बनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ श्री जवाहर कौशल जी को यहाँ SDM भी नियुक्त किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और पब्लिक की जो सुविधा है उनके लिए यह तहसील कार्यालय बना हुआ है, अनुभाग बना हुआ है। बहुत जल्द 25 तारीख के बाद से ही सारी सुनवाई का जो प्रक्रिया है वो भी भिलाई तीन में ही किया जाएगा। लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, आवागमन की जो सुविधा है वो दुरुस्त है और भिलाई का जो पहचान है पुराना भिलाई होने की वजह से काफ़ी यहाँ पर संभावनाएं हैं। आज उसी तारतम्य में हम लोगों ने 19 लाख से अधिक की राशि से बाउंड्री वॉल का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे जो पब्लिक आएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर अवैध कब्जे जो हो रहे हैं या अतिक्रमण हो रहे हैं उसे छुटकारा मिलेगा। एक भव्य तहसील और अनुभाग कार्यालय सबको समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।